सब्सक्राइब कीजिए को और बेल आइकन पर क्लिक करें हाय फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सोबिया जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सोबिया जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बदलते मौसम में अपने चेहरे, हाथ और पांव की हिफाजत की जाए, यानी जो खुश्की उन पर नमोदार होती है या हाथ और पांव फट जाते हैं या पांव की एड़ियाँ फट जाती हैं वगैरह वगैरह, इन तमाम मसाइल से कैसे निपटा जाए। इसको बनाना बहुत ही आसान है, ये कोई महंगा तरीका नहीं है, इसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो बनाने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। पहला स्टेप ये है, इनके लिए हमें जिन जिन अज्जा की ज़रूरत है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले हमें लेना है ग्लिसरीन, नमक लेना है एक चम्मच, बादाम का पाउडर लेना है एक चम्मच, चीनी लेनी है एक चम्मच। इन तमाम अज्जा को एक बॉयल में ले लीजिएगा और इसमें दी की मकदार के मुताबिक चीनी, बादाम का पाउडर और नमक शामिल कर लीजिएगा। फिर इसमें इतनी ग्लिसरीन डाल लें कि तीनों चीज़ें इसमें अच्छी तरह से हल हो जाएं, ख़ास तौर पर चीनी मुकम्मल तौर पर हल हो जाए और एक पेस्ट की शक्ल अख्तियार कर ले। इसका तरीका इस्तेमाल ये है, अब इस पेस्ट को अपने हाथों पर अप्लाई करें और आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आपके हाथ आहिस्ता आहिस्ता नरम मुलायम और चमकदार होते जा रहे हैं। ये पेस्ट आप अपने पांव और गर्दन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद ये कि नहाने से पहले अगर आप तमाम बॉडी पर अप्लाई करें तो इससे खुश्की ख़त्म हो जाएगी और जिल्द नरम मुलायम हो जाएगी। दूसरा स्टेप ये है, इनके लिए हमें जिन जिन अज्जा की ज़रूरत है वो मैं आपको पहले बताती हूँ। सबसे पहले हमें लेना है एलोवेरा जेल एक चम्मच, गुलाब की पत्तियाँ लेनी है, कोकोनट ऑयल लेना है एक चम्मच। इन तमाम अज्जा को मिक्स कर लेना है, इससे एक पेस्ट बन जाएगा और इसको रात सोने से पहले अपने हाथ पांव पर अप्लाई कर लीजिएगा। इससे ना तो आपकी एड़ियाँ फटेंगी और ना ही लाइनें वगैरह बनेंगी और खुश्की से महफूज रहेंगी। इसको आप ज़्यादा मकदार में भी बना सकते हैं और इसे महफूज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के मैसेज की जानिब। अगर तुमसे कोई भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की ज़रूरत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह का ख़ास करम है। तो जिन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।